ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज सुनिए होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने वाले नए विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर एके गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल लोकसभा में चिकित्सा से जुड़े दो अहम विधेयक पारित हुए, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021 और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2021। ये दो नए विधेयक हैं। हमने देखा कि 1970 और 73 में चिकित्सा से जुड़े पहले पुराने अधिनियम थे, 2020 में नए अधिनियम लाकर इनमें बदलाव किया गया और अब एक संशोधन करके इन दो अधिनियमों को नया रूप दिया जा रहा है। तो जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो उसमें कानून बनाकर नियमों में स्पष्टता लाई जाती है, जिससे कि हम देखेंगे कि आगे चल के जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें, चाहे होम्योपैथी हो या दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हो, उनमें इन अधिनियम के और इन बिलों के आने से काफी सुधार और गुणवत्ता देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विधेयक हैं किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार लाने में सहायक होंगे। हमेशा परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि इस चीज को पहले से बेहतर सुधारा जाए, और जो अमेंडमेंट हुआ है और जो ये कल पास हुआ है तो उसमें एक बेसिक चीज ये है कि जो चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी थी या जो एजुकेशन जिस पे डिपेंड करती है सारी, वो था सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के अधीन, जो 1973 में बिल पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा। उसके रहते हुए काफी संस्थान इंस्टीट्यूशन खुले, कॉलेजेस खुले, और चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ उनकी जो अध्ययन की सामग्री का है उसमें वो करते रहे। पहले बेसिक एजुकेशन सिर्फ डीएचएमएस थी, फिर बाद में बीएचएमएस हुआ, 5 साल का कोर्स हुआ, अब होम्योपैथी में एमडी और पीएचडी भी इंक्लूड की गई है। एक बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार हुई है, परंतु देखने में यह आया था कि वो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सब स्टैंडर्ड, मान लो, या नॉट अप टू द मार्क। संशोधित करने के लिए और उस चीज को ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है, जहाँ पे इस चीज की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और पारदर्शिता हो। पहले ये होता था कि जो सीसीएच के लिए मेंबर बनाए जाते थे वो उनकी इलेक्टेड बॉडी होती थी, उसकी हर 1000 के ऊपर एक डॉक्टर इलेक्ट होता था, और कुछ लोग थे उनके अपने इंस्टीट्यूशन थे तो वहां पे फिर जब अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना लोगों को पड़ जाता है या करते हैं, तो जिसकी वजह से जो होम्योपैथी की प्रचार प्रसार में और एजुकेशन में वहां पे थोड़ा प्रभाव देखा गया था जो कि अच्छा नहीं था, उसी को दूर करने के लिए यह नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी लाया गया। होम्योपैथी में पहले सेंट्रल काउंसिल के अधीन ये सारी चीजें आती थी और अब नेशनल कमीशन नए विधेयक के मुताबिक और नया जो अधिनियम बनाया गया था 2020 का, उसके तहत ये सारी चीजें आएंगी। मैंने अध्ययन किया, इसमें 3 स्वायत्त बोर्ड हैं जिसमें एक तो रजिस्ट्रेशन के निगरानी करेगा कि कौन कौन से प्रैक्टिशनर रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरा मेडिकल असेसमेंट होगा, और साथ ही आपने मेडिकल एजुकेशन की बात की तो मेडिकल एजुकेशन पे भी निगरानी होगी और किस तरह से उस संबंध में नियम होने चाहिए एलिजिबिलिटी के, इस संबंध में नियम बनाए जाएंगे। जो ये पूरी व्यवस्था कायम की जा रही है कि एक कमीशन हो, कमीशन के अंदर भी बोर्ड हो, बोर्ड मेंबर हो, और साथ में एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरी व्यवस्था हो, जैसे कि हम एलोपैथी में देखते हैं कि एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसी तरह से विद्यार्थी भी एक प्रवेश परीक्षा पास करके आए और वो होम्योपैथी की पढ़ाई पूरी करके वो एक बेहतर चिकित्सक बने। तो बेहतर चिकित्सक पैदा करने में ये किस तरह से अहम अधिनियम साबित होंगे? ये जो नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का बेसिक फंडामेंटल रूल ही यही है, जो अनियमितताएं थी या जो खामियां थी एजुकेशन सिस्टम में पहले हम उनको दूर करा जाए, और इसके लिए अब बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड हमें लागू किए जा रहे हैं, जहां पे परीक्षा के लिए चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद एक एग्जिट का एग्जाम होना शुरू करेंगे जहां पे इवन जो प्राध्यापक हैं, जो लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर हैं, उनकी भी एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफाई करके ही वो उस पद पर आसीन हो सकेंगे और पढ़ा पाएंगे। क्योंकि पहले जो कुछ कॉलेज प्राइवेट थे या कुछ कॉलेज में अनियमितताएं थी जहां पे कि जो रेगुलर टीचिंग स्टाफ ना होने की वजह से तो वो कमियां रह जाती थी कि बच्चों को पढ़ाने में, और सबसे बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर पढ़ के निकलता है तो उसको संसार में और उसके बाहर आके देखना पड़ता है कि किस तरह के रोगों से उसको डील करना है, तो वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीज एक बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी
वही सब पाठ्यक्रम पढ़ता है जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर पढ़ता है, उसको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो भी सर्जरी और मेडिसिन पढ़ता है, प्रैक्टिस और मेडिसिन पढ़ता है, गायनी ऑप्स पढ़ते हैं, सबकी अध्ययन करने के अलावा उसमें होम्योपैथिक फिलोसफी और होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका का ज्ञान अलग से दिया जाता है। परंतु पहले ये देखने में लगता था कि जो ज्ञान थ्योरेटिकल रहता है वो प्रैक्टिकल उनको इतना नहीं मिल पाता था, तो अब अपेक्षा की जाती है कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी बनने के बाद ये जितनी भी खामियां पहले थी वो सब दूर हो जाएंगी, और ऐसे हम आशा भी करते हैं और ये डेफिनेटली होना भी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत में होम्योपैथी को लेकर बहुत काबिलियत है, बहुत सारी यहाँ शोध हो सकते हैं, लेकिन अभाव यही था कि हमारे पास एक स्पष्ट अधिनियम नहीं था, लेकिन जब से ये अधिनियम आए हैं आपको क्या लगता है कि विश्व स्तर पर जो होम्योपैथी में भारत की काबिलियत है वो किस तरह से सामने आ पाएगी और किस तरह से नए शोध में ये अधिनियम और ये जो बिल है ये अहम कड़ी साबित होंगे? आज की डेट में हिंदुस्तान होम्योपैथी का हब है, पूरे संसार में जितने नंबर ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे संसार भर में कहीं पे भी नहीं है, और यहाँ पे हमारी एक जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है उसका एक अलग से बॉडी है जो कि पूरी रिसर्च को लुक आफ्टर करती है, और ऐसे में हमारी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं जहाँ पे उनको टीचिंग दे रहे हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से उनको पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और कोरोना काल में भी चल रहा है तो वहाँ पे भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा उपयोग देखा गया है, जिसमें कि सेंट्रल काउंसिल रिसर्च की कुछ स्टडीज थी जो कि काबिले तारीफ हैं, उनको उपयोग में लाया जाता तो और भी अच्छा होता कि हमसे काफी हद तक हम चीजों को बचा सकते थे इस संदर्भ में कि कोरोना के काल में भी, और वहां तक कुछ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अगर हम इनको और बढ़ावा दें, जितना कि दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जितना धनराशि मिलती है या जितना ग्रांट मिलती है, अगर उसको जो होम्योपैथिक ग्रांट भी उतनी मिले तो मैं समझता हूं कि हम होम्योपैथिक में रिसर्च का स्टैंडर्ड और बढ़ा सकेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट सामने दिखा पाएंगे। जो प्रॉब्लम है वो है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर तालमेल की, क्योंकि होम्योपैथी की रिसर्च होती है, क्योंकि अभी आयुष के अंडर को लिया गया है, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो सरकार ने ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी बनाया है तो वहां पे जितनी भी प्रकार की होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में बढ़ाव में कमियां आ रही थी वो सब दूर होंगी, क्योंकि जब एक पारदर्शिता सामने आ जाती है तो वहां पे एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है, उसका लगाव आता है और वो अल्टीमेटली दिखता है कि लाइक हमने उसके लिए कुछ करना है। जब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे तो उसमें हमारी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ऐसे समय में डेफिनेटली एजुकेशन एंड रिसर्च दोनों साथ साथ चलेंगे, तो ऐसा ना माने कि जब पीपल कम विद अ चॉइस टू होम्योपैथी, नॉट कि भाई वो जब लास्ट में आप आ रहे हैं सब कुछ कर चुके हैं नहीं फर्क पड़ रहा तब आप होम्योपैथी में आते हैं। होम्योपैथी की गुणवत्ता के लिए लोगों को होम्योपैथी में आना शुरू हो, ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा, और ये हम चाहते हैं कि पीपल शुड एडॉप्ट होम्योपैथी फॉर इट्स बेटरमेंट, इट्स एफिकेसी एंड इट्स नॉन टॉक्सिसिटी। जिस तरह से इंडियन मेडिकल सिस्टम हो या होम्योपैथी हो, इन दोनों के लिए दो विधेयक आए हैं, आम लोगों का विश्वास है वो भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा अगर जो चिकित्सा का क्षेत्र है वो बेहतर होगा और उसमें थोड़ी औपचारिकता आएगी और अच्छे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, तो किस तरह से आम मरीज होता है उसके नजरिए से इसको अगर आपसे जानने की कोशिश करें तो? भारत सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, उसमें भी कुछ संशोधन करने के विचार रखे जा रहे हैं, हर मेडिकल सिस्टम के बारे में अप्राइज किया जा सके ताकि लोगों को हर सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज हो और जो मरीज है किसको किस पद्धति से आराम मिल सकता है कि उसमें कितनी उसकी लिमिटेशन है, अगर उसके बारे में पता होगा तो हम डेफिनेटली मरीजों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट दे पाएंगे और मरीज उसकी वजह से लाभान्वित भी होंगे। जहां तक सवाल उसकी स्पेशलिटी का है, अगर हम इसको अंडर ग्रेजुएट के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या सुपर ग्रेजुएशन है उसमें अगर इन सब्जेक्ट्स को लेके आए कि जैसे होम्योपैथी का है या आयुर्वेदिक का है तो उनको आप स्पेशलाइजेशन में ला सकते हैं। वी शुड प्रोड्यूस अ डॉक्टर्स एट द बेसिक लेवल पे, उसमें डॉक्टर्स का काम मरीज की देखभाल और सही ट्रीटमेंट देने के अलावा आपको उसकी लिमिटेशन के पता होने के साथ प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जगह रेफरल भी कर दिया जाए तो भी बहुत अच्छा होगा मरीज के लिए। चिकित्सा पद्धति इंटीग्रेटेड अगर होगी तो मरीजों को बहुत अच्छी तरह से लाभ हो सकेगा। डॉक्टर गुप्ता, आपका धन्यवाद, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने वाले नए विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे होम्योपैथी विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर AK गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।